देवभूमि हिमाचल में माँ का एक ऐसा अनोखा मंदिर है जो विज्ञान के लिए अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। माना जाता है यहाँ फर्श पर सोने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कहाँ है ये मंदिर और क्या है इसका रहस्य। हिमाचल प्रदेश की दुर्गम पहाड़ियों के बीच मंडी जिला के सिमस गांव में स्थित है यह मंदिर, जो विज्ञान के लिए अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। यहाँ फर्श पर सोने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। नवरात्रों के दौरान देश भर से हजारों महिलाएं इस मंदिर में पहुँचती है। सदियों से माँ महिला श्रद्धालुओं की कामना को पूरा कर रही है। मान्यता है कि माँ शारदा मंदिर से महिलाओं को खाली हाथ नहीं लौटाती। आठवें नवरात्रे के दिन संतान दात्री माँ शारदा के मंदिर में सैकड़ों दंपति संतान प्राप्ति की कामना को लेकर पहुँचते हैं। माँ शारदा सिमसा को संतान दात्री के रूप में जाना जाता है। संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं मंदिर में सोती है, जिसे धरना कहा जाता है। धरने में माँ किसी भी रूप में स्वप्न में आकर महिला श्रद्धालुओं को फल के रूप में संतान का आशीर्वाद देती है। महिलाओं को धरने से पहले मंदिर के साथ लगती बावड़ी के पानी से स्नान करना पड़ता है। स्नान के बाद महिलाएं मंदिर में धरने पर सोने जाती है। अगर किसी महिला के जीवन में संतान का सुख नहीं होता तो माँ उनको घर में जाकर काम करने का संकेत देती है। हालांकि इन श्रद्धालुओं को भी माँ स्पष्ट रूप से मना नहीं करती है। यदि माँ के आदेश के बाद भी कोई महिला फिर मंदिर में धरने पर जाती है तो महिला को चींटियां काटना शुरू कर देती हैं। भारत के कई राज्यों जैसे राजस्थान, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड सहित अन्य कई राज्यों से महिलाएं इस मंदिर में पहुंचती हैं। मंदिर के पुजारी का कहना है कि कामना पूरी होने पर श्रद्धालु मंदिर में ढोल नगाड़ों के साथ दर्शन के लिए पहुंचते हैं। देश भर से हर साल माँ के दर पर कई श्रद्धालु आते हैं। धन्यवाद। इस मंदिर को लेकर आपके मन में क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।